को स्वरूप प्रदान करती है और निर्धारित करती है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। ऐसी ही है हमारे भारत देश की प्राचीन भाषा डोगरी भाषा का। मैं आज डोगरी भाषा का आज मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। डोगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2004 में इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी पहाड़ी के जन भाषाओं में डोगरी एक उल्लेखनीय भाषा है। डोगरी इस विशाल परिवार में कई कारणों से विशिष्ट जनभाषा है। इसकी पहली विशेषता यह है कि दूसरी बोलियों की अपेक्षा इसके बोलने वालों की संख्या विशेष रूप से अधिक है। दूसरी यह कि इस परिवार में केवल डोगरी ही साहित्यिक रूप से गतिशील और संपन्न है। डोगरी की तीसरी विशेषता यह भी है कि एक समय यह भाषा कश्मीर सियासत तथा चंबा राज्य में राजकीय प्रशासन के अधूरी व्यवहार का माध्यम रह चुकी है। इस भाषा के संबंध से इसके बोलने वाले डोगरे कहलाते हैं तथा डोगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डगर कहा जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर की शरतकालीन राजधानी जम्मू नामक ऐतिहासिक नगर डोगरी की साहित्यिक साधना का प्रमुख केंद्र है। डोगरी पंजाबी भाषा की उपबोली है। डोगरी की लिपि डोगरी की अपनी एक लिपि है जिसे टाकरी या टकरी लिपि कहते हैं। यह लिपि काफी पुरानी है। मैं अब डोगरी भाषा के शब्द और वाक्य आप